आईएनटी न्यूज़, आप देख रहे हैं वाईएनटी नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। भयंदर वसई विरार क्राइम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक चोरी कर उसको बेचने वाले गिरोह को क्राइम पुलिस ने धर दबोचा है। उसके पास से लगभग 25 गाड़ियां बरामद की हैं, जिसमें 20 एक्टिवा, एक मेस्ट्रो, एक यूनिकॉर्न, 2 डीओ, 1 पल्सर गाड़ियां हैं। आपको बता दें कि आरोपी योगेश मंगेला अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मीरा भयंदर वसई विरार के परिसर से सुबह के समय मास्टर चाबी के जरिए बाइक चोरी करता था और फिर गाड़ियों को 10,000 से 15,000 में बेच देता था। पुलिस गाड़ियां चोरी होने की शिकायत के बाद हरकत में आई और उसके सूत्रों से मिली खबर के अनुसार घात लगाकर आरोपी योगेश मंगेला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविराज कुराड़े ने बताया कि आरोपी योगेश पर पहले भी चोरी के मामले दर्ज हैं। 2017 से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हमने धारा 379 और 760 2020 के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच शुरू है। मेरा भयंदर पूरी साइकिल में बहुत सारी मोटरसाइकिल चोरी होती थी, तो इसलिए हमारे सीपी सर, एडिशनल सीपी सर और डीसीपी क्राइम सर, एसीपी सर ने इन्होंने हमको इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर किया था, तो उस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो मीरा भयंदर और इस काशीमेरा परिसर में योगेश प्रभाकर मांगले नाम का एक आरोपी था, जो कई फुटेजेस में पाया गया था, तो उसका हमने पीछा किया। उसको पकड़ने के बाद उसने हमको मीरा भयंदर और काशीमेरा की एरिया से 25 एक्टिवा, उसमें से 25 एक्टिवा, 2 डीओ, 1 मेस्ट्रो, 1 यूनिकॉर्न और 1 बजाज पल्सर, ऐसे 25 मोटरसाइकिल हमको दिए, जिसमें से 20 के ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड है। यहाँ पर उसका वेनसडे बुधवार तक PCR लिया गया है। सर, इस पूरे मामले में अब तक आपने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनका क्या मोरस ऑपरेंडी हुआ करता है, कैसे अपना चोरियां कर किया करते थे? जो योगेश प्रभाकर मांगले जो है, ये इसके पहले भी मोटरसाइकिल की चोरी में गुने में अरेस्ट हो चुका है। ये मॉर्निंग आवर्स में जैसे एक्टिवा वगैरह लगी रहती है, तो उसकी अपनी मास्टर की से वो गाड़ी चालू करता है और वसी में उसके जो 2 दोस्त है उनके पास जाके वो बेचता था और वो दोस्त आगे लोगों को बेचता था। तो ऐसे हमने 25 मोटरसाइकिल अभी रिकवर किया हुआ। कहाँ से आपने ये रिकवर किया है? केवल मीरा भयंदर से है या और आसपास के शहर से भी? ये मोटरसाइकिल मीरा भयंदर से चोरी हुई है, लेकिन जो रिकवरी हुई है ये वसई विरार से किया हुआ है। ये यहाँ से 2018, 2019, 2020 3 साल की क्राइम हमने डिटेक्ट हुए। सर, इसके अलावा और भी आपको उम्मीद है कि गाड़ियाँ इनसे बरामद हो सकती हैं? अभी तक हमने 25 की हुई है, इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस चल रहा है। हमको उम्मीद है कि ये आरोपी और इसके जो और साथीदार हैं उनसे हम ज़्यादा मोटरसाइकिल रिकवर कर पाएंगे। तो इनके खिलाफ और भी कहीं केस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा और भी कई केस है? ये पहला केस है? ये प्रोफेशनल हैं क्या है? ये योगेश प्रभाकर मांगले, ये पहले अरेस्ट हो चुका है, मोटरसाइकिल चोरी की केस में अरेस्ट हो चुका है। सर, ये जो गाड़ी आपने बरामद की है, कितने दिन की मेहनत है आपकी ये पूरी गाड़ी इतनी जो दिखाई दे रही है? देखो, हमारा जो इंटीरियर जो ऑफिसर से और जो स्टाफ है बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था और पर्टिकुलर DCP क्राइम सर ने हमको इस पर फोकस करने का आदेश दिया हुआ था। तो हमने जब इस योगेश प्रभाकर मांगले को पकड़ा है, तब से ये हमने 25 मोटरसाइकिल रिकवर की चुकी है, लेकिन इसके पहले भी बहुत दिन से हम इस पर वॉच कर रहे थे, इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सर, ये पूरे मामले में CCTV कैमरे का कितना बड़ा रोल रहा है, उस पर थोड़ा आप फोकस कीजिएगा। ये जैसे मोटरसाइकिल चोरी होती है तो पुलिस के पास पहला एविडेंस यही रहता है कि CCTV फुटेज में कोई आरोपी दिख रहा है क्या, और उसके जैसे अगर क्लियर दिखता है तो आरोपी आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बॉडी लैंग्वेज और इससे भी हम इन्फॉर्मर या जो हमारी स्टाफ है ये भी पहचान पाते हैं कि सर ये आरोपी हो सकता है, ये आरोपी हो सकता है।